नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवीएन 24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए नजर डालते हैं झारखंड की एक खबर पर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा श्री बंसीधर नगर अनुमंडलीय इकाई लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता और एनडीए का विरोध करेगी। भोजपुर रोड स्थित महासभा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उक्त जानकारी दी गई। महासभा के अनुमंडलीय अध्यक्ष इंदल सिंह ने बताया कि महासभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भाजपा और एनडीए के विरोध का निर्णय लिया गया। इंदल सिंह ने बताया कि क्षत्रिय समाज ने देश में लोकतंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कई रियासतों का विलय कर राष्ट्र एकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन आज के राजनीतिक दल क्षत्रिय समाज के योगदान को नजरअंदाज करने का काम कर रहे हैं। भाजपा ने समाज को उपेक्षित किया है, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। झारखंड में दो सीट पर भाजपा के सांसद थे, लेकिन इस बार एक भी क्षत्रिय को उम्मीदवार नहीं बनाकर भाजपा और एनडीए ने नाइंसाफी की है, जबकि क्षत्रिय महासभा ने भाजपा को मजबूत बनाने में काफी योगदान दिया है। इंदल सिंह ने बताया कि इस बार के चुनाव में क्षत्रिय महासभा भाजपा और एनडीए का पुरजोर विरोध करेगी, तभी भाजपा और एनडीए को क्षत्रिय समाज की ताकत समझ आएगी। उक्त दौरान उपाध्यक्ष मणिरत्न प्रताप देव उर्फ चंचल सिंह, प्रवक्ता दीपक कुमार सिंह, क्षत्रिय सभा के संरक्षक ललन प्रताप देव, कामेश्वर प्रताप देव, शैलेंद्र प्रताप देव, विक्रांत सिंह, श्याम बरन सिंह, योगेंद्र सिंह, नागेंद्र प्रताप देव, लल्लू सिंह, धीरू सिंह, अक्षय सिंह, मंटू सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज क्षत्रिय महासंघ अनुमंडल कमेटी की बैठक में हम क्षत्रिय समाज ने एक निर्णय लिया है कि भारतवर्ष की आज़ादी की लड़ाई हो या उससे पहले हो, देश के लिए लड़ने और मिटने की बारी आती थी तो क्षत्रिय उसमें सबसे आगे रहता था। हमारी कई रियासतों को मिलाकर भारतवर्ष का निर्माण हुआ है, और इसके बावजूद भी अभी अभी हम लोग एक ताज़ा घटना को ताज़ा उदाहरण दे रहे हैं कि क्षत्रियों को सरकार के द्वारा काफ़ी नज़रअंदाज किया जा रहा है और राजनीतिक पार्टियों के भी द्वारा, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है और उसके साथ जो एनडीए है वो अभी झारखंड लोकसभा के 14 सीटों में से जो दो सीट क्षत्रियों का रहता था हम लोग इतने पर ही संतोष किया करते थे, लेकिन इस बार उस टिकट वितरण में वो दो सीट भी देने का काम नहीं किया, जिससे क्षत्रिय समाज काफ़ी आहत है। और हम लोगों ने आज निर्णय लिया है और हमारे अध्यक्ष जी द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम इस लोकसभा में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करेंगे। बोलिए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अनुमंडल नगर उटारी इकाई के हम सभी क्षत्रिय परिवार के लोग, आज हमारा परिवार, हमारा समाज 565 रियासत क्षत्रिय प्रजातंत्र को कायम करने के लिए हमने दान कर दिया, लेकिन आज जो है हमें एक दूध में मक्खी के तरह निकाल कर फेंक दिया गया। झारखंड में कोई भी पॉलिटिक्स में कहीं भी हमको नहीं रखा गया। हम जहाँ की हमारा मात्र दो सीट था जनरल का, उसमें एक भी सीट हमको नहीं दिया गया। इसका हम विरोध करते हैं और इसका मतलब मौन रहकर विरोध करते हैं। विरोध किस टाइप का? हम अपने घर में ही रहेंगे, इनका प्रचार प्रसार किसी प्रकार का नहीं करेंगे। किसका प्रचार प्रसार? किसी भी भाजपा का जो प्रचार होता है वो हम नहीं करेंगे। किसी भी राजनीतिक दल का नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बंसीधर नगर, हम लोग मौन व्रत रखे हुए हैं एनडीए सरकार के खिलाफ में, इसलिए कि हम लोग क्षत्रिय जो हैं, क्षत्रिय 500 रियासत दान किया है, 565 रियासत, उसके बावजूद भी हम लोग का झारखंड में 14 सीट में से लोग 14 लोकसभा सीट में से दो लोकसभा सीट क्षत्रिय का था, उसमें भी नेस्तनाबूद कर दिया गया, क्षत्रियों को हटा दिया। इसलिए हम लोग एनडीए का विरोध। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना है। ऐसे झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवीएन 24।